छत्तीसगढ़ राज्य में गौ पालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने के लिए गौधन न्याय योजना की शुरुआत की गई। प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से बड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। गौधन न्याय योजना राज्य के पशुपालकों के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए एक बहुत अच्छी योजना साबित हो रही है। किसानों में गाय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने गौधन न्याय योजना की शुरुआत की है। सरकार इस योजना के तहत पशुपालकों से 2 रुपए किलो में गोबर खरीद रही है। इस योजना से पर्यावरण में सुधार के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गौधन न्याय योजना से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। राज्य में जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। पहले पशुपालक दूध निकालने के बाद उन्हें खुले में छोड़ देते थे, लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद से स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। अब पशुपालक अपने पशुओं के चारे पानी का प्रबंध करने के साथ साथ उन्हें बांध कर भी रख रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से लाभ मिल रहा है। वहीं शहरों और गांव की सड़कों में भी पशुओं का गोबर नहीं रहने से स्वच्छता का वातावरण देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, गौधन न्याय योजना के लागू हो जाने के बाद अब महिला स्व सहायता समूह गोबर से दिए बनाने का भी काम कर रही है। इस बार दिवाली में गोबर के दियो की बहुत डिमांड रही। देश की राजधानी दिल्ली से भी गोबर के दियो का ऑर्डर दिया गया था। साथ ही महिलाओं ने गोबर से लकड़ी टोकरी समेत अन्य सामान आजीविका के लिए बना रही है। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जहां गौ पालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने के लिए गोबर की खरीदी की शुरुआत की गई है। सरकार गौधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ कृषि लागत में कमी और भूमि की उपज शक्ति को बढ़ोतरी करना है।